हेलो, गुड मॉर्निंग लवली पीपल्स, वेलकम टू सिटीजन व्लॉग्स। सो एक और नई जर्नी, एक और नई शुरुआत चल रही है थोड़ा बहुत घूमने के लिए अपने यारी के साथ। हम दोनों ही जा रहे हैं सिर्फ घूमने के लिए। राम मोहित और भाई मोहित, कहाँ चल रही है हम लोग? बस भाई ऐसे निकले हैं, थोड़ा जयपुर घूमाते हैं। जयपुर घूम के आ रहे हैं हम दोनों भाई लोग, और आप हम जाएंगे मुंबई एक्सप्रेस वे से। मैं पहले अपने घर से मोहित के घर आया हूँ बाइक से, यहाँ बाइक खड़ी कर दी मैंने अपनी, अब गाड़ी से निकल रहे हैं इसके यहाँ से, और गाड़ी का भी अब काफ़ी लंबा टाइम बाद लंबी रूट पर निकल रही है इसकी गाड़ी। सो अब मुंबई एक्सप्रेस से निकलेंगे, आप मुंबई एक्सप्रेस से दिखाते हैं कैसा क्या है, और आपको दिखाएंगे राजस्थानी फूड हम जो एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा बहुत वो खाएंगे, और आपको दिखाएंगे ब्लॉक के अंदर। मजा आने वाला ब्लॉक के अंदर आपको। चलिए, और ठंड की हो गई शुरुआत, एंड यू कैन बिलीव इट, मैंने दो जैकेट पहन रखी है, ठंड हो गई है। एंड आज जो डेट है 30th of November, तो ठंड स्टार्ट हो गई तगड़ी वाली। बाकी चल रहे हैं अभी, देखते हैं कैसा क्या है, सी बनता है अभी। चलिए बन रही है ब्लॉक के अंदर, आपको दिखाते हैं मुंबई एक्सप्रेस वे। पेट्रोल आया हमारा 3123.51, इसमें आया 33 लीटर पेट्रोल लगभग, 1000 का पहला पड़ा था। अप एंड डाउन हमारा हो जाएगा जयपुर से इसमें। सो मोहित जी आ गया पेट्रोल, तो हम निकल दिए हम लोग, ठीक है। हीटर ऑन कर दो फटाफट से अपना, ठीक है, चलो। सो अभी आ चुका है मुंबई एक्सप्रेसवे का टोल नाका, यहाँ से हम एंटर करेंगे, यहाँ पे हमारा रीड हो जाएगी गाड़ी। टोल अभी नहीं कटेगा, टोल हमारा कटेगा जब हम एग्जिट करेंगे, एंड जो यहाँ से अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली कटेगा हमारा 500 रुपये के आसपास, जो कि टोटल फेयर होता है यहाँ से जयपुर तक का। सोना से आपका एक टोल और पड़ेगा, उसके बाद दो टोल का टोटल पड़ता है 580 रुपये। सो कोई नहीं, चल रहे हैं अब यहाँ से। ये तो वन साइड टोल रहेगा हमारा, तो अप्रॉक्सीमेटली जो अप एंड डाउन हमारा टोल रहेगा वो रहेगा हमारा 1160 रुपये शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 1160 ही रहेगा। तो ये हमें टोल पे करना पड़ेगा मुंबई एक्सप्रेस वे चलने के लिए। बाकी यार बढ़िया है, हाईवे तो बहुत अच्छा ही है, यहाँ पे स्पीड लिमिट भी आपकी 160 के अराउंड ही है, 160 तक, ओह सॉरी 160 नहीं, सैम सॉरी 120 तक आप उसकी टॉप स्पीड चला सकते हैं यहाँ पर गाड़ी, एंड आराम से अपना क्रूज कंट्रोल लगाइए, 120 पर गाड़ी छोड़ दीजिए, चलने दीजिए, गाड़ी चलती रहेगी आपकी आराम से, एंड बेफिक्र होकर चलिए यहाँ पर। बस क्या थोड़ा ना इस रोड का एक डिसएडवांटेज भी है, जो कि आपको भी मोहित बताएगा क्या है, क्योंकि यहाँ पे नींद बहुत जल्दी आती है, गाड़ी चीज़ी चलती है। तो बाकी बने रहिए आप ब्लॉक के अंदर और देखिए आप। सो अभी हम लोग रुके हैं मिडवे पर, एंड ये मिडवे के नज़ारे, झिलमिल ढाबा, ये रहा मिडवे का झिलमिल ढाबा, और सूरज निकलने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे, बट नज़ारा तो अच्छा आ रहा है यहाँ से। क्या बोलता है मोहित, नज़ारा कैसा आ रहा है यहाँ से, है ना बढ़िया। सो और ये सूरज निकल चुका है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सूरज निकलता हुआ यहाँ से। सुबह का थोड़ा हम लोग भी ना सनबाथ टाइप तो ले नहीं पाएंगे, बिकॉज फॉग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सूरज की किरणें ऐसी पड़ नहीं पाएंगी। बाकी अगर पूरा निकल गया ऊपर तो सूरज की किरणें वैसे पड़ेंगी। बाकी यार इस रोड का तो मज़ा ही अलग है, और उसी मजा आपको तो, एंड बी प्लीज केयरफुल होकर इस रोड पर ड्राइव करो गाड़ी अपने आप, बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर गाड़ी ड्राइव करो इस रोड पर। सो हमने हाईवे कर लिया है क्रॉस, अब हमारा एग्जिट है यहाँ से, यहाँ पे हमारा टोल एग्जैक्ट अमाउंट कटेगा जो कटना है, लगभग वही कटेगा 500 रुपये के आसपास, क्योंकि 500 से टोटल आगे वाले का 80 आई थिंक होगा टोल प्राइस जो होगा। एंड ये सामने जो आपको रोड दिख रही है, जो ये रोड है जयपुर आगरा हाईवे है, ये सामने वाला रोड जो है ये, अभी हम उससे होते हुए जाएंगे जयपुर की तरफ, क्योंकि और ये जगह का नाम है दौसा, ठीक है। एंड यहाँ से आपको बता दूँ अप्रॉक्सीमेटली जयपुर जो है 40 करीब किलोमीटर है यहाँ से, 40-45 किलोमीटर होगा जयपुर यहाँ से, और हम इस रास्ते पे निकल रहे हैं, बाकी बहुत बढ़िया रास्ता है अभी।
सो नाउ वेलकम टू मेन पिंक सिटी जयपुर। जयपुर के अंदर हम आ चुके हैं, पिंक सिटी स्टार्ट हो गई हमारी। चौपड़ का एरिया है पूरा, पूरा छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ पूरे पड़ता है यहाँ पर। ये हम यहाँ पर अपना थोड़ा काम करने आए हैं, यहाँ पर काम करके हम वापस नहीं लेंगे, ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे हम लोग जयपुर। बाकी जो छोटी चीज़ें आपको मेन मेन जयपुर ही घूमने के लिए दिख जाएंगी आपको, क्योंकि इसी एरिया के अंदर सारा कुछ है। यहाँ पर सारे महल वगैरह सब यहीं पर है, हवा महल भी यहीं पर, छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ शॉपिंग करने का कॉम्प्लेक्स भी पूरा यहीं पर है। आप शॉप वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ से। सो हम लोग गाड़ी पार्क करके आ चुके हैं बड़ी चौपड़, एंड ये बड़ी चौपड़ का मेन चौराहा है, नीचे मेट्रो स्टेशन है ये। थोड़ी शॉपिंग भी करके निकलते हैं हम लोग यहाँ से आगे। सो जयपुर से हम लोग वापस हो लिए, क्योंकि हम जो इस काम के लिए आए थे वो काम हमारा थोड़ा बहुत ही हो पाया, तो हम लोग अब मूड नहीं करा उस करने का, तो वापस निकल लिए यहाँ से, क्योंकि हमारा वन डे अप डाउन था। जो मेन चीज़ थी हमने वो कर ली अपनी, एंड थोड़ा काम भी आ गया हम लोगों को, तो लोग वापस निकल लिए यहाँ से। एंड ये है वही आगरा जयपुर एक्सप्रेस, आगरा जयपुर हाईवे है ये। अपन अब वापस निकले, रुकते हुए थोड़ा आपको देखते हैं अब और क्या देख पाते हैं हम लोग, देख क्या पाएंगे। भाई से वापस जा रहे हैं हम लोग, बाकी ठीक है यार, बढ़िया कटा भी रास्ता अभी तक तो हमारा। हाँ भाई मोहित, कैसा रहा आपका ट्रिप तेरा? बढ़िया भाई, मजा आया ना? सोते आए गाड़ी चलाते हुए बटन लोग। अब हम लोग रुके हैं मिड वे पर, ऑटो पायलट पे लगा रखा है, ऑटो पायलट पे चलाते रहे गाड़ी। अब हम लोग आके रुके हैं मिड वे पर, एंड यहाँ पर यही है आपका मुंबई एक्सप्रेस वे। यहाँ पर जा रहे हैं हम सुजुकी में, उसके बाद हम लोग खाएंगे पिएंगे फिर निकलेंगे हम यहाँ करके। स्टारबक्स, अमूल, KFC, बहुत कुछ खुल गया यहाँ पर। अच्छा है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया गवर्नमेंट ने। चलो चलते हैं, चलिए हम आके आते हैं वॉशरूम, फिर आपको मिलते हैं दोबारा से। अब हम लोग आ चुके हैं मैकडी के अंदर। मोहित लगा पड़ा है, देखो कैसा है टेस्ट मैकडी का, बढ़िया। तो गाइस फाइनली हमारी जर्नी हुई कंप्लीट, हम लोगों ने पूरा जर्नी कर लिया दिल्ली टू जयपुर, जयपुर टू दिल्ली, और पूरा हम लोग घूम कर आ चुके हैं। अपना जो परिक्रमा करनी थी कर ली हम लोगों ने, जो काम था वो कर लिया हम लोगों ने अपना। अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ यहाँ पर हमारी गाड़ी की, परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी गाड़ी ने, अप्रॉक्सीमेटली 20 करीब की एवरेज थी गाड़ी ने हमारी। एंड हम लोग वही 3 घंटे करीब में हम लोग जयपुर से यहाँ पहुँच गए हैं। अभी तक तो जर्नी बहुत अच्छी रही हमारी। क्या वही कैसा एक्सपीरियंस था इस हाईवे का? बहुत बढ़िया रहा, बढ़िया रहा, मज़ा आया गाड़ी चलाने में। बट नींद तो बहुत आ रही थी यार, मेरे को भी नींद बहुत आई है हाईवे पर, बट मज़ा बड़ा आया। ये रही पीछे अपनी गाड़ी, मस्त तरीके से आए हैं। अब मोहित घर जाकर मैं वहाँ से अपने घर निकलूँगा, तो ब्लॉग को करते हैं पर एंड हम लोग। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको ऑप्शो अच्छी मिलेगी इसके, जो आपने सुना इस ब्लॉग के अंदर अभी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा केयर की, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर कमेंट जरूर करना यार। थैंक यू सो मच, बाय बाय।